एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एप्पल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट मैरीगोल्ड बुक के यूनिट वन का चैप्टर वन, मतलब टू। चैप्टर टू पढ़ेंगे हम। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने उसके दो पार्ट बनाए थे, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थ्री लिटिल पिग्स, चलिए शुरू करते हैं। Three little pigs. Listen and enjoy the story. Once there was three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. तो एक समय की बात है, तीन सुअर रहते थे। सुअर मतलब pigs, pigs मतलब सुअर, okay? जो एक का नाम था सोनू, दूसरे का नाम था मोनू, तीसरे का नाम था गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। जो सोनू था ना, वो जैसे स्ट्रॉ मतलब ड्राई ग्रास, सूखा, सूखी घास। देखी आपने ड्राई ग्रास, सूखी घास से बने हुए घर में रहता था। और मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। जो अब सोनू था मतलब मोनू था, मोनू वो अब लकड़ियों के घर में रहता था। मोनू लकड़ियों के घर में रहता था और गोनू जैसे आजकल के घर बने हुए हैं ईंटों से, ब्रिक्स मतलब ईंट, उसके बने हुए घर में रहता था। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस। तो फिर एक दिन क्या हुआ ना, जो सोनू था ना हमारा पिग, उसके घर पे एक भेड़िया आ गया। भेड़िए ने क्या कहा, मैं तुम्हारा घर तोड़ फोड़ दूंगा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। अब उसने वो उसका घर, सोनू बेचारे का घर तोड़ दिया। सोनू अब क्या करता, सोनू रैन टू मोनूज हाउस। अब सोनू भागा और अपने भाई होगा, हाँ भाई होंगे वो तीनों, मोनू के घर चला गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. तो फिर से वो जो वुल्फ था हमारा, वो क्या कहते हैं, मोनू के घर चला गया। अब मोनू से भी उसने यही कहा, मैं तुम्हारा घर तोड़ फोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ, सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। अब उसने क्या कहा कि मतलब उसने अब मोनू बेचारे का भी घर तोड़ दिया। अब वो दोनों क्या करेंगे, बेचारों का घर तो टूट गया, कहाँ रहेंगे वो। सोनू एंड मोनू रेंट टू गोनूज हाउस। ओके, तो वो दोनों भी अब अपने तीसरे भाई के पास चले गए, गोनू के पास चले गए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब क्या हुआ ना, जो ये वुल्फ हमारा था, वो क्या कहते हैं, ये इनके पास आ गया, ये गोनू के घर पे भी आ गया। और उसने गोनू से भी यही कहा, मैं तुम्हारा घर तोड़ फोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, हम यहाँ पर हैं। तो उसमें क्या हुआ ना, फिर वो उसने तोड़ने की कोशिश की उसका घर गोनू का, पर वो तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in red brick house. तो अब क्या हुआ, अब वो वुल्फ तो तोड़ नहीं पाया, इसलिए अब वो चला गया वापस, और ये तीनों हमारे पिग्स खुशी खुशी रहने लग गए, हैप्पी एंडिंग। फिर है न्यू वर्ड्स एंड बैड बिग बट नॉट वन पिग दा और वॉज। तो अब इनकी मीनिंग समझते हैं। एंड का मीनिंग होता है, एंड इज यूज टू कनेक्ट टू और टू वर्ड और सेंटेंस। बैड का मीनिंग होता है नॉट गुड। बिग का मीनिंग होता है लार्ज इन साइज। बट का मीनिंग होता है अदर देन। नॉट का मीनिंग होता है यूज टू एक्सप्रेस नेगेशन, डिनाइल और रिफ्यूजल। फिर वन का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। पिग का मीनिंग होता है अ लार्ज पिंक, ब्राउन और ब्लैक फार्म एनिमल विथ शॉर्ट लेग्स एंड कर्व्ड टेल। तो और फिर होता है दा का मीनिंग होता है
यूज टू शो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग अ पर्सन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन. वॉज कमिंग होता है पास्ट टेंस फॉर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन. तो अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी वन का पढ़ा था. तो वन जो आपको इधर ऑड आया ना, ऑड अब क्या होता है, ऑड नंबर जैसे वन एक ना छोटा, सबसे छोटा ऑड नंबर है. इसके हम मतलब वो नहीं कर सकते, वो हाफ नहीं कर सकते हम उसका. ये दो होते हैं नंबर्स, ऑड और इवन. ये ऑड नंबर वो होते हैं जिनका हम हाफ नहीं कर सकते. जैसे थ्री को हम नहीं बांट सकते ना. जैसे फिर हो गया फाइव को भी नहीं बांट सकते हम. और इवन नंबर वो होता है जिनको हम बांट सकते. जैसे टू का हम हाफ ऑफ करेंगे तो 1+1 हो जाएगा. ठीक है, फिर जैसे हम फिर आ गया हमारा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये होंगे. ओके, तो चलिए अब हम आते हैं अपनी बुक पे. रीडिंग इज फन. ओके, तो ये भी हमसे कुछ क्वेश्चंस है. तो हम ये रीडिंग इज फन और लेट्स टॉक दोनों ही क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इनका आंसर देते हैं. तो रीडिंग इज फन का क्वेश्चन 1 है, हाउ मैनी पिग्स वर देयर. तो अभी हमसे इसमें पूछा है कि हमारी जो स्टोरी थी उसमें कितने पिग्स, मतलब कितने सुअर थे. इसका आंसर है देयर वर 3 लिटिल पिग्स. फिर यही रीडिंग इज फन का क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स. तो अब उसने आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसने कहा था आई विल हफ एंड बफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस. तो इसका आंसर हो जाएगा द बिग बैड वुल्फ सेड आई विल हफ एंड बफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस. फिर है लेट्स टॉक का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द वुल्फ गुड और बैड. अब इसमें हमें बताना है कि वो जो हमें वो हमारा जो वुल्फ था वो अच्छा था या बुरा. तो आंसर है द वुल्फ वॉज बैड. फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ. अभी इसमें हमें बताना है कि आपका हाउस कैसे, मतलब किन किन चीज़ों से बना है. तो आंसर है, आजकल के वैसे मिट्टी के घर नहीं होते, आजकल के ब्रिक्स के ही घर होते. तो आंसर है माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स एक्सेट्रा. आयरन रॉड्स वो होते हैं ना जो आपको पता होगा, सरिया आपने देखा है, ऐसा सीधा सीधा टाइप होता है, है आपने देखा है, वो होता है सरिया, आयरन रॉड्स. फिर चलिए आगे का देखते हैं, लेट्स शेयर हु इज गुड हु इज बैड. तो अब हमें कहानी में से बताना है कि कौन अच्छा था और कौन बुरा था. ये पिग और वुल्फ की आपको दिख रही होगी फोटो. तो इसमें जो हमारा पिग था वो गुड था और ये वुल्फ बैड था, बेचारों के घर तोड़ दिए उसने, गंदा वुल्फ. फिर अरे हाँ ओ यार हाँ ये लेट्स एक्ट. ओ इसमें तो हमें वही करना है, आप इस पर ड्रामा कर सकते हो. कुछ 4-5 बच्चे हो आप, 3 पिग बन जाओ और 1 वुल्फ बन जाओ. फिर से अलाउड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे एक्टिविटीज है. लेट्स ड्रॉ, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक इट द हाउस देन कलर द पिक्चर. ओके, तो हमें अब इसमें जॉइन करने डॉट्स ऐसे. तो 1 से 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ओके, फिर आपको इसमें कलर भी करना है, आप कर सकते हो ऐसे कोई भी कलर इसमें. ओके, देन देयर आर फार्म एनिमल, वाटर एनिमल एंड जंगल एनिमल इन दिस पिक्चर, हैव द एनिमल रीच देयर होम, ड्रॉ अ लाइन. तो मैं अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, उससे पहले हम अपना मोबाइल सीधा कर लेते हैं क्योंकि वैसे नहीं होने वाला इसका. ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ एनिमल्स हैं और यहाँ पर एक फार्म है, यहाँ पर एक जंगल है और यहाँ है वाटर. ओके, तो अब हमें ना इनमें क्या करना है सुना, इसमें ये आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे ना, इनमें हमें देखो अभी कुछ फार्म एनिमल होते हैं और कुछ जंगल एनिमल होते हैं और कुछ पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं. तो अब हमें इन्हें मैच करना है. तो हैन फार्म में होता है, डॉग भी फार्म में होता है, वैसे तो डॉग इधर उधर घूम रहा होता है पर डोमेस्टिक एनिमल्स सब फार्म में होते हैं. ओके, बफेलो भी फार्म में होते हैं, काऊ भी. अब जो हमारा जिराफ है वो जंगल में,
राइनोसोरस भी जंगल में, मंकी भी जंगल में, फिर बियर, बियर भी हमारा जंगल में, और फ्रॉग जो है हमारा वो वाटर एनिमल है, और ये क्रोकोडाइल भी वाटर एनिमल है। ओके फिर ये बार बार बैठा। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये टीचर्स पेज है, इसमें आपको कुछ नहीं होगा, कुछ इतना ज़्यादा मेन चीज़ नहीं है ये। तो हमारे यहाँ पर ही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम अगली वीडियो में अपना यूनिट 2 का चैप्टर 1 करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।